जसविंग इंग्लिश क्लासेस, कैसे हो आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो दोस्तों आज ये हमारा वीडियो जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए ही है। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे तो उसी के मैं कंप्लीट करा रही हूँ इसमें, ठीक है। एलटी ग्रेड की हमारी सीरीज चल रही थी, बाकी टीजीटी पीजीटी या किसी भी चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्पीकेज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अटलांटिक मंथली एंड लेटर पब्लिश्ड इन, पहले तो ये अटलांटिक मंथली में पब्लिश कराई गई थी और उसके बाद ये किस में पब्लिश कराई गई, ड्रामेटिक पर्सनल में, रिंग और एंड द बुक, अजोलंडो, पीपा पासिस, तो इनमें से किस में ये की गई थी। तो ड्रामेटिस परसोने, ठीक है, ये परसोने है, ये यहाँ पे एल नहीं है गाइज, तो एल की जगह आप ई समझिए, परसोने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। प्रोस्पीके रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स बिलीफ इन द इमोर्टली ऑफ सोल, द इमोर्टलिटी ऑफ बॉडी, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। प्रोस्पीके रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स बिलीफ इन, किसमें प्रोस्पीके में हमें क्या नजर आता है, पोएट किसमें बिलीव करते हैं, द इमोर्टलिटी ऑफ सोल, ठीक है। हु इज डिटरमाइंड टू फाइट विद डेथ, कौन डिटरमाइंड है डेथ से फाइट करने के लिए, तो सीधी सी बात है प्रोस्पीके जो है इसी की मतलब इसी रीजन से लिखी है उन्होंने कि वो डेथ से बिल्कुल निडर हैं, उसको फेस करना चाहते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं हेवन में जाके। तो ये सब चीज़ें प्रोस्पीके में हमें नज़र आती हैं। तो ये किसकी है, ब्राउनिंग। व्हाट इज डेथ टू द पोएट, पोएट के लिए डेथ क्या है, अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, अ कर्स है, बोथ आर करेक्ट है, बोथ आर रॉन्ग है, तो क्या है ये, तो ऑप्शन ए इज राइट, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। टू द पोएट डेथ इज अ फ्रेंड बिकॉज इट विल टेक हिम टू गॉड्स किंगडम वेयर ही विल मीट, इसका मतलब है कि पोएट के लिए डेथ एक फ्रेंड है, पोएट के लिए डेथ जो है एक फ्रेंड है क्योंकि वो गॉड के किंगडम में जाके इसके बाद अपनी वाइफ से मिल पाएंगे, ओके, तो हिज बिलव्ड वाइफ। नेक्स्ट, आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा एक फाइटर था, सो वन फाइट मोर, तो एक फाइट और मैं लड़ूंगा, द बेस्ट, सबसे अच्छी और सबसे लास्ट, तो लास्ट राइट टुगेदर है, प्रोस्पीके है, एवलिन हो, तो प्रोस्पीके में है ये। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज्ड माई आईज, मुझे इस चीज़ से नफरत है कि डेथ जो है मेरी आईज को बैंडेज कर देगी, फॉर बोर एंड बेड मी क्रीव पास्ट, ठीक है, प्रोस्पीके में है ये, द लास्ट राइट टुगेदर में है, तो डेथ की बात उन्होंने प्रोस्पीके में ही की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, द लास्ट राइट टुगेदर, एवलिन होप, रबी बेन इज़रा या फिर प्रोस्पीके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, तो इसमें यही हो जाएगा गाइज, प्रोस्पीके, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज अ पीस आउट ऑफ पेन अपीयर्स इन, किसमें अपीयर हो रहा है ये, अ पीस आउट ऑफ पेन, ये भी इसका भी आंसर प्रोस्पीके है। ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, फ्रेज वगैरह या फिर कोई भी कोटेशन है, लाइन है। Then a light, then thy breast, O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be thou ready. तो ये रबी बेन इज़रा में है, लास्ट राइट टुगेदर में है, पीपा पासिस, प्रोस्पीके, तो डी ऑप्शन इज राइट, प्रोस्पीके। तो ये हमारे थोड़े से क्वेश्चन थे गाइज, तो अच्छी लगी होगी आपकी वीडियो आई होप, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आती हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।